नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आडो के स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन सार और लेके आया हूँ आज आपके लिए ये डेली डोज, जिसके अंदर मैं बात करूँगा बहुत सारी न्यूज की। तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको हमारे प्रीवियस डेली डोज पसंद आए होंगे। यहाँ पर ट्रेवल कार्ड चैनल पे अभी हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जानते हैं दिवाली आने वाली है और उसी के काम में लगे हुए हैं। तो अभी अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है ट्रेवल कार्ड पे तो हम तहे दिल से माफी चाहेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक आध वीडियो अपलोड कर दें। तो कोशिश है परंतु कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आपको ट्रेवल कार्ड चैनल पे वीडियो नहीं मिलता है तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है जियो कंपनी की तरफ से और यहाँ पे लेके आ गए हैं ऑल इन वन प्लान, और वो कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के हिसाब से आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हैं और अदर डिटेल देख सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप जियो के ये ऑल इन वन प्लान को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्किन से, यानी आप बोल लीजिए एक तरीके से ये बैक कवर है जिसे आप कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद आप यहाँ पे इसको टच करेंगे तो ये रिस्पांस देगी, और यहाँ पे आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो गजब का मिलेगा और बहुत ही इंटरेक्टिव आपको ये स्किन मिल रही है। तो यहाँ पर बात करें ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो अभी ये सिर्फ वर्किंग में चल रही है और हो सकता है कि ये जल्दी आपको मार्केट में देखने मिल जाए और आप इस स्किन का यूज ले सके अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, अपनी स्मार्ट वॉच में और अदर जगह भी। तो देखते हैं कब तक ये नई स्किन आती है, क्या ओवरऑल यहाँ पे और फ्यूचर आने वाले टाइम में देखने मिलते हैं और क्या रखी जाती है प्राइसिंग। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये स्किन पसंद आए कि नहीं, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है एप्पल कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप इनके पुराने वाले आईपैड या आईफोन यूज करते हैं तो उसे अपडेट करवा लीजिए नवंबर 3 से पहले पहले, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर आपको लोकेशन, डेट और यहाँ जो टाइम है उसके अंदर इश्यू देखने मिलेगी और यहाँ आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप भी यूज करते हैं कोई पुराना एप्पल का आईपैड या आईफोन तो जाइए अपडेट कीजिए और उसको एकदम लेटेस्ट कर लीजिए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एक रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट बोलती है कि अगर आप चाहते हैं प्ले स्टेशन 5 लेना तो इसके लिए आपको वेट करना होगा दिसंबर 4 तक का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि $500 इसकी प्राइसिंग हो सकती है। बात करें और फ्यूचर की, तो अभी ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से नया प्ले स्टेशन 5 आता है, क्या होते हैं ओवरऑल फीचर और क्या यही प्राइसिंग रखी जाती है कि नहीं। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है साउंडवन कंपनी की तरफ से, और ये है हांगकांग बेस्ड कंपनी, और यहाँ पे इन्होंने इंडिया में अनवील कर दिया है एक गजब का ईयरफोन। ये है डिटेचेबल ब्लूटूथ ईयरफोन। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ये यूनिक डिजाइन मिलती है। यहाँ पे बात करें क्या नाम है इस ईयरफोन का, तो ये है DC111। यहाँ पे बात करें फीचर की, तो यहाँ आपको IPX5 मिल जाती है, गजब का आपको यहाँ बेस मिलेगा, क्लैरिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि अगर आप इसे 60 से 70% वॉल्यूम पे यहाँ म्यूजिक सुनते हैं तो आपको 10 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी, वहीं अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको 8 घंटे की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है और गजब की आपको ये डिजाइन मिल रही है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर, और यहाँ पे ऑफर के तहत अभी इसकी प्राइसिंग चल रही है 1690। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस गजब के ईयरफोन को लेना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये DxO Mark की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ इस प्रकार से गूगल पिक्सल 4 ने स्कोर किया है कैमरे के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कोर है वो कम है अगर कंपेयर किया जाए सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोरिंग में ये कमजोर है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या इंप्रूवमेंट्स करती है गूगल और क्या यहाँ पे कैमरे को और बेहतर और बढ़िया बना देती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये स्कोर अच्छे लगे कि नहीं लगे, कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है महिंद्रा की आने वाली KUV100 इलेक्ट्रिक से, और यहाँ पे अब ये वापस से लीक हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट देखने मिलेगा, यहाँ पे फ्रंट अच्छा लग रहा है, बैक भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, और ओवरऑल लुकिंग वाइज ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे बात करें अदर डिटेल्स की, तो अभी ज्यादा कुछ कन्फर्म नहीं है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है, किस प्रकार से महिंद्रा की ये नई इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, क्या ओवरऑल यहाँ पे इसके अंदर फीचर देखने मिलते हैं और किस प्राइसिंग में सेल आउट होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये लुक पसंद है कि नहीं, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो ये आ रही है स्कोडा की आने वाली ऑक्टिवा से, और यहाँ पर आप जानते हैं हाल ही में इसके स्केच सामने आए थे जो कि ऑफिशियली कंपनी ने टीज किए थे, अब यहाँ पे इसका लुक जो है वो लीक हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये नई ऑक्टिवा आपको देखने मिलेगी, और लुकिंग वाइज ये अच्छी लग रही है, पहले से बड़ी लग रही है और पहले से पावरफुल लग रही है। तो अब देखते हैं क्या ओवरऑल फीचर निकल के आते हैं, क्या होती है इसकी प्राइसिंग और क्या ये वर्थ सकती है परचेस करना। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये लुक पसंद आए कि नहीं, कमेंट कीजिए और बताइए, साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूँ गाइस मैं अगले वीडियो में, आज के लिए नहीं था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।